नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं वो मध्यस्थता से जुड़े कानूनी प्रावधानों से संबंधित है, और इसके अतिरिक्त अगर किस पारिवारिक कानूनों के तहत झूठे मुकदमे से जुड़े कानूनी प्रावधानों से संबंधित हमारा आज का विषय है। इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर इसके अलावा किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी दिक्कत है, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। पारिवारिक कानूनों के तहत झूठे मुकदमे से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है हमारा आज का विषय है। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है या फिर इसके अलावा भी कोई कानूनी अड़चन है, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने चल रही है, कोई उपाय, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को खत्म करने के मकसद से हम आपके सामने मौजूद रहते हैं हर दिन एक नए विषय के साथ। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय आज का एक बार फिर हम आपके सामने दोहराते हैं, पारिवारिक कानूनों के तहत झूठे मुकदमे से जुड़े क्या कुछ प्रावधान है। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है या फिर इसके अलावा भी किसी तरह की कोई अड़चन है, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन मेहमानों से, मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से दुष्यंत स्वरूप जी हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, साथ ही मोहम्मद अफजल साहब हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही इलाहाबाद से मान बहादुर सिंह जी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत में दुष्यंत स्वरूप जी आपसे ही करना चाहूंगा, क्या प्रावधान है इस विषय से संबंधित? जहां तक पारिवारिक मामलों में है उसमें अलग अलग प्रोविजन है, जैसे झूठा एफिडेविट अगर आप किसी कोर्ट में फाइल करते हैं, झूठा एविडेंस करते हैं जी, तो उसके लिए अलग प्रोविजन है। जैसे कि मैट्रिमोनियल में, डाइवोर्स केस में अभी दिल्ली हाई कोर्ट का अपना जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकम का आप एफिडेविट फाइल करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उसके मुताबिक जब आप उस एफिडेविट को फाइल करते हैं तो उसके लास्ट पैराग्राफ में ये मेंशन किया है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो आई विल बी लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 191, 192 एंड 193 ऑफ आईपीसी। यानी कि अगर कोई कोर्ट में झूठा एविडेंस दे रहा है, फैब्रिकेटेड एविडेंस कर रहा है, कोई कंसीलमेंट कर रहा है किसी फैक्ट का, तो उसके लिए पनिशमेंट है अप टू 7 ईयर। तो इस तरीके से जो भी उसमें झूठे एफिडेविट है, इसके अलावा प्रोसीजर है कि आप 340 लगा सकते हैं जिसमें कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है और उसके बाद उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद वो फॉरवर्ड करती है टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट टू रजिस्टर्ड ए केस अगेंस्ट द पर्सन हु हैज मेड ए फॉल्स एलिगेशन, द फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, द फॉल्स एविडेंस बिफोर द कोर्ट। चलिए, बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई उपाय अगर आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा
संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, इसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद अफजल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि अभी दुष्यंत स्वरूप जी ने बताया कि पारिवारिक कानूनों के तहत झूठे मुकदमे से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं, किस तरह की सजा होती है, किसी तरह का जुर्माने की भी व्यवस्था है, क्या कुछ होता है इस कानून के तहत? जी, ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है क्या चीज। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज ए रॉन्गफुल इंस्टीट्यूशन एंड परसुइंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन फॉर अनरीजनेबल एंड अनप्रोबेबल ग्राउंड। आप किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा फाइल करते हैं, ये एक अपने आप में एक सामाजिक बुराई भी है। इट इज ए टॉर्ट और इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 211 IPC, जिसके तहत सेक्शन 211 IPC के तहत जो आदमी किसी दूसरे आदमी के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाता है या उसको हरास करता है विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, तो उसको वो शख्स जिसके खिलाफ वो मुकदमा चलाया गया है वो कोर्ट में एक कंप्लेंट केस फाइल कर सकता है और ये एक अपराध है सेक्शन 211 IPC में, जिसमें एक सजा का प्रावधान है, 2 साल की सजा है और जुर्माना या दोनों हो सकती है। और अगर ऐसा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किसी ऐसे शख्स ऐसे जुर्म के लिए चलाया गया हो जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दिया गया हो, जैसे कि सजाए मौत या उम्र कैद की सजा हो, तो सेक्शन 211 में ये सजा बढ़ के 7 साल और जुर्माना हो जाती है और या दोनों हो सकता है। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज ए एविल ऑफ द सोसाइटी, इट इज ए टॉट। तो ये इसको बचने के लिए अगर कोई आदमी कोई शख्स जिसके खिलाफ झूठा मुकदमा किसी ने किया हो तो वो कोर्ट में कंप्लेंट केस भी फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 195 और उस आदमी को उस शख्स को जिसने उसको झूठे मुकदमे में फंसाया हो, इम्प्लिकेट किया हो, झूठे उसके खिलाफ कोई एविडेंस दिए हो और विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, तो उसको उसके तहत जो है ये कंप्लेंट केस फाइल की जाए। ठीक है, मान बहादुर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। एविडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है इस तरह के मामलों में? सर आऊंगा मैं आपके पास, मान बहादुर सिंह जी। देखिए, जिस तरह से पारिवारिक मामलों में खास करके मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है इस दौर में काफी बढ़ गया है, जिस तरह से हमारी पारिवारिक और सामाजिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं, जिसकी वजह से इस तरह के प्रोसिक्यूशन की मात्रा बहुत बढ़ी है। और खास करके जो दहेज उत्पीड़न है, चाहे पारिवारिक हिंसा का मामला है, 498A का है, 304B है, यहां तक कि आजकल 377 376 जैसी धाराओं के तहत जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन लॉन्च किए जा रहे हैं। और उसका कुल जो है पर्पज ये होता है कि दूसरे पक्ष को दबाव में लेकर के समझौता करना या उन्हें हैरान परेशान करना। तो पुलिस के पास भी 182 IPC के तहत प्रावधान है कि वह ऐसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ प्रोसीड कर सकती है। जैसा अभी पहले हमारे मित्र ने बताया कि 211 IPC में भी प्रावधान है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने वाले के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, उसको दंडित कराया जा सकता है। आप डिफेमेशन के भी केस जो है 499 में ला सकते हैं और सेक्शन 500 IPC के तहत भी 2 साल तक के सजा का प्रावधान है। प्रश्न ये है कि लोगों को हमें एजुकेट करना होगा। आज जितने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं, खास करके फैमिली मैटर्स में, मैं तो अपने निजी तजुर्बे से कह सकता हूं कि आधे से अधिक जो है प्रोसिक्यूशन वो मैलिशियस है। लेकिन कुल मिलाकर के इन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने वालों के खिलाफ लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि चलिए हम छूट गए तो हम उसको छोड़ देते हैं जी। लेकिन लोगों को हमें जागरूक करना पड़ेगा कि ये प्रावधान है जिस प्रावधान के तहत
लोग उनके खिलाफ प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए, यानी आपको लग रहा है कि जागरूकता उतनी व्यापक स्तर पर अभी नहीं है, लोगों को जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति भी, अगर इस तरह के फॉल्स केसेस में उन्हें फंसाने का प्रयास किया जाता है। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर कुंदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर, मैं सीएमओ कार्यालय में संविदा पे ड्राइवर था जी, और मुझे निकाल दिया था, तो मैं इनने मुझे पेमेंट भी नहीं दी दो महीने की, और बाद में कोर्ट में गया तो मुझे कोर्ट से आर्डर मिला है कि आप कोई कॉन्टेस्टेड ड्राइवर नहीं रखेंगे, तो फिर भी सीएम कार्यालय से सीएम ड्राइवर रख लिए गए हैं, और मैं कंटेम भी जीता हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं द्वारा रिटर्न जा सकता हूँ उनके खिलाफ? दुष्यंत स्वरूप जी, क्या उपाय बताएंगे? देखिए, जो इन्होंने अभी ये अपनी प्रॉब्लम बताई है, ये कहते हैं कि मैं कोर्ट से जीत चुका हूं, तो अगर ये कोर्ट से जीत चुके हैं तो सबसे पहले इनके पास वो रेमेडी है कि उस ऑर्डर की कॉपी के साथ एक एप्लीकेशन दें अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में। अगर उसके बाद वो नहीं लेते हैं तो दे कैन प्रोसीड विद द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिस भी कोर्ट का ये ऑर्डर बता रहे हैं, चाहे वो लेबर कोर्ट का है चाहे वो सिविल कोर्ट का है, तो जहां से भी ये जीते हैं अगर उस ऑर्डर की कंप्लायंस, क्योंकि उसमें नेचुरली लिखा हो गया होगा विद इन 30 डेज, विद इन 50 डेज या विद इन 2 मंथ्स इसको विद फुल बेक्ड वेजेस इसको अपॉइंट किया जाए, और अगर वो नहीं करते तो ये कंटेम्प्ट में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कुंदन जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। जो उपाय आपको दुष्यंत स्वरूप जी ने बताया, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्या से छुटकारा जरूर मिलेगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या, कोई कानूनी अड़चन आपके सामने चल रही है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और जो हमारा विषय है, पारिवारिक कानूनों के तहत झूठे मुकदमे से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इससे संबंधित भी अगर कोई प्रश्न है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मोहम्मद अफजल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, कितना दुरुपयोग आज भी होता है इस तरह के केसेस में? मैं आप कीजिएगा दोबारा से, आप पूछ सकते हैं, कल मैं समझा नहीं, आपकी आवाज थोड़ा सा साफ नहीं आ रही है। सर, जो झूठे मुकदमों से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं आज भी, हालांकि जो दहेज उत्पीड़न की बात कही है उसको लेकर भी चर्चा हमने इससे पहले की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिली उन लोगों को जिन पर इस तरह के आरोप लगाए जाते थे, आप मानते हैं कि आज भी इसका दुरुपयोग खूब होता है? जी बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूँ कि आज मेलेशियस प्रोसिक्यूशंस जो है वो बहुत ज्यादा है आज की डेट में सोसाइटी में, लेकिन उसकी एक वजह भी है, वो ये है कि कोर्ट जो है वो इनिशियल स्टेज पर ये जज नहीं कर सकती कि कोई प्रोसिक्यूशन जो है वो मैलिशियस है या नहीं, ये तो मेरिट पे ही डिसाइड होता है। कोर्ट के सामने जब कोई भी मैटर आता है तो कोर्ट फर्स्ट इम्प्रेशन में ये बात नहीं कह सकती कि ये मैलिशियस है प्रोसिक्यूशन, वो तो जब मेरिट के ऊपर जब मैटर डिसाइड होता है और उसमें जो डिफेंडेंट है जब वो एक्विट हो जाता है और उसमें ये कोर्ट की फाइंडिंग आती है कि नहीं साहब, ये जो प्रोसिक्यूशन हुआ था ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था और प्रतिवादी जो है उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जैसा कि मुकदमे में आरोप लगाया गया, तब वो आदमी जो है वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशंस के तहत वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशंस के कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहले तो ये है कि जो अर्लियर जो सूट था उसमें वो कंप्लेनेंट जो है वो डिफेंडेंट था और उसको कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि ये आदमी जो है इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आया और ये जो भी एविडेंस आया वो फ्रिविलेस थे, और कोर्ट की ये फाइंडिंग होना चाहिए कि साहब इनके ऊपर जो मुकदमा चला ये सब झूठा मुकदमा था, झूठे आरोप लगाए गए थे। अनटिल एंड अनलेस ये फाइंडिंग नहीं होगी तब तक कि आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत आप तो सेक्शन 211 में नहीं जा सकते जब तक कि किसी आदमी के खिलाफ ये फाइंडिंग ना आ जाए। ठीक है, आऊंगा सर मैं आपके पास। ये एक डिफिकल्ट टास्क भी है।
जी ठीक है। दुष्यंत स्वरूप जी, मेरा सवाल ये है कि कानून है, मिसयूज भी है, उसके कुछ सुझाव भी होते हैं, लेकिन जो जागरूकता के अभाव की बात अभी अफजल साहब बार बार कह रहे थे, अगर 498A की बात करें तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स ये दिए जाते थे कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 94% लोग दोषी नहीं पाए जाते प्री और पोस्ट ट्रायल के दौरान। तो ये स्वाभाविक है कि इस तरह के मामलों कानून का किस तरह से दुरुपयोग भी किया गया। हाँ देखिए, जैसे अभी मेरे साथी ने बताया कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो ये हैं कि ये कोर्ट की फाइंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको कोर्ट में ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, यानी कि संदेह का लाभ दिया जाता है कि भाई इन लकुने की वजह से या इस पॉइंट्स की वजह से या इस वीक एविडेंस की वजह से आपको बरी किया जाता है, तो उस केस में आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकते। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन उसी केस में चल सकता है जहां कोर्ट का ये हो कि द प्रोसिक्यूशन इज मिजरेबली फेल टू सबस्टांस देयर एविडेंस, सबस्टांस देयर एलिगेशन, यानी कि जो लड़की ने एलिगेशन लगाए हैं अब वो झूठे हैं, वो किसी भी कॉर्नर से लीगल डेफिनेशन में नहीं आते हैं और ना ही वो प्रूव कर पाई है ऑन रिकॉर्ड उन चीजों को, तभी आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जा सकते हैं। यदि आप सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट के उस पे जाएंगे तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से 498A में है, जैसे कि एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने कि भाई मेरे साथ इस दिन मारपीट हुई, ये मेडिकल रिकॉर्ड कोई है, अगर वो मेडिकल रिकॉर्ड सब्सटेंस करता है आपके एलिगेशन के साथ तो ठीक है, लेकिन अगर आपके एलिगेशन जर्नल्स हैं और उसके बाद आप उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दे पाते हैं या कोई एलिगेशन इस तरीके का है जो डिफर्मेटरी लैंग्वेज में है कि भाई सपोज करिए किसी से उसके रिलेशन है कोई चीज़ है और वो अल्टीमेटली आप प्रूव नहीं कर पाते ऑन रिकॉर्ड, देन द हस्बैंड और the in-laws has a right to file the malicious prosecution if she failed to prove, अगर वो नहीं कर पाती है सिर्फ this is only a allegation। मैंने पहले बताया, जैसे मेरे साथी ने बताया कि malicious prosecution को सबस्टांस करना, आगे प्रोसीड करना मुश्किल इस सेंस में है कि पहले फाइंडिंग कोर्ट की होनी चाहिए कि ये केस झूठा था बिल्कुल, इसके एलिगेशन बिल्कुल झूठे थे, उनमें कोई सबस्टांस नहीं था। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से, हरिंद्र जी। हरिंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर मेरे को एक ना चेक दिया था सर जी, ये मेरा चेक 29/9/2012 में दिया था उसने मेरे को सर। तो सर मैंने वो जो है 11/11/2012 को खाते में जमा किया जी, उसके बाद ये डिसऑनर हो गया हमें 14/11/2012 में मिल गया वापसी जी जी। फिर हमने पार्टी से बात की, पार्टी ने हमें कहने लगा भी हम तो कहता और वक्त दो हमें दोबारा पैसे डाल देंगे तब डाल देना। फिर हमने दोबारा उसके कहने पर 30/11/2012 में डाल दिया पुनः, उसके बाद 30/12/2012 में वो डिसऑनर हो गया जी। ठीक है सर। सर फिर हमने उसको जो है 20/11/2012 में नोटिस दे दिया सर। फिर उसके बाद हमने जो है 14/12/2012 को हमने उसको जो है केस दायर कर दिया और ये सेशन कोर्ट में जी दो साल के करीब चला। उसके बाद इसमें जो है हमें उन्होंने सेशन कोर्ट में जिता दिया, जो प्रथम डिस्ट्रिक्ट वो जो थे जज साहब उन्होंने हमें जिता दिया। उसके बाद उन्होंने अपील कर दी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जी, तो वो वहां पर जो है हमें हरा दिया, उन्हें बरी कर दिया। क्या इसमें हम जो है आगे हाई कोर्ट में? ठीक है, मान बहादुर सिंह जी क्या उपाय इनके पास बचता है? हम ठीक से इनका प्रश्न सुन नहीं पाए सर। इनका कहना है कि 29/9/2012 को इन्हें एक चेक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने 11/11/2012 को उस चेक को लगाया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो चेक बाउंस हो गया। उसके बाद जब इन्होंने सेकंड पार्टी से बातचीत की तो उन्होंने भरोसा दिया कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, एक बार दोबारा चेक लगाइए। दोबारा चेक लगाते हैं फिर डिसऑनर हो जाता है, जिसके बाद ये केस फाइल करते हैं और दो साल के बाद ये बता रहे हैं कि इनके पक्ष में फैसला नहीं आया, तो उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन बचता है? पहले वो कह रहे हैं जी, उसके खिलाफ ये जो है क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर सकते हैं और क्रिमिनल रिवीजन का एक कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है जिला जज के यहाँ और हाई कोर्ट में जी जी। तो ये जहां भी ऑप्शन इनको ठीक लगे जिला जज के यहाँ या हाई कोर्ट में ये वहां पे रिवीजन कर सकते हैं। सर क्या करना होगा इन्हें? क्रिमिनल रिवीजन इनको फाइल करना होगा उस आदेश के खिलाफ जी, जो ट्रायल कोर्ट ने दिया है उसके खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करना होगा। दुष्यंत स्वरूप जी,
इन्हें वकील हायर करना चाहिए इस तरह के मामले में, या फिर जैसा अभी मान बहादुर सिंह जी कह रहे हैं? नहीं नहीं, तो ये खुद भी लॉयर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका जो मैं समझ पाया हूँ, इन्होंने पहले ये कहा है कि वो मेरे पक्ष में हो गया था केस, और उसको दो साल के बाद फिर वो हायर कोर्ट में गया अपील में सेशन में, तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उनको बरी कर दिया। इसके बाद अगर ये अब हाई कोर्ट जाएंगे तो इनको फिर वो लीव पिटीशन होती है वो फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से इनका बरी हो गया, सिर्फ हाई कोर्ट की ही रेमेडी इनके पास लाई करती है, और इनको लॉयर लेके उस अगेंस्ट द सेशन ऑर्डर जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का है उसके अगेंस्ट इनको हाई कोर्ट में फाइल करना। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं हरिन जी, जो आपका सवाल था और जो तरीका भी आपको बताया मान सिंह जी ने और दुष्यंत स्वरूप जी ने, अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर मिलेगी। मोहम्मद अफजल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अगर बात की जाए तो किस तरह से मिसयूज इसका आप देखते हैं, क्योंकि इसमें भी झूठे मुकदमों के तमाम मामले सामने आते हैं? देखिए, हमने आपसे एक बात शुरू में ही कही थी कि ये एक एविल है सोसाइटी की, ये एक बुराई है, एक सामाजिक बुराई है, और इस बुराई को ही देखते हुए जो घरेलू हिंसा अधिनियम बना है उसमें किसी सजा का प्रावधान नहीं है। उसमें अभी जो न्यायालय है उसमें भले अपोजिट पार्टी को अक्यूज कहा जाता हो लेकिन वो अक्यूज नहीं होते, वो रिस्पोंडेंट होते हैं। ये एक सामाजिक बुराई है, ये कोर्ट भी जानती है, और हमारे लेजिस्लेचर जिन्होंने कानून बनाया ये, वो ये बात जानते थे कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ के डिस्प्यूट में हम सजा दे देंगे तो कोई भी मैरिज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लिहाजा ये जो घरेलू हिंसा होती है ये एक सामाजिक बुराई है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो कंप्लेनेंट होती है उसको जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है वो होता है मॉनेटरी रिलीफ, वो प्रोवाइड कर दिया जाता है इनिशियल स्टेज पर, कोर्टें वो रिलीफ प्रोवाइड कर देती हैं। उसके बाद जो उनके जो दूसरे मैटर्स होते हैं, जैसे कि उसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप रेजिडेंस क्लेम कर सकती हैं, रेजिडेंस का राइट क्लेम कर सकती हैं, बच्चों की कस्टडी का आप क्लेम कर सकते हैं, आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, तो वो जैसे आपकी कंप्लेंट जितना आप देखा जाता है कि आप क्या एविडेंस लेकर के आए हैं। अभी तो क्या हो रहा है कि एक सिंपल एक ट्रेंड सा बन गया है कि एक फॉर्म बना लिया गया है, बिल्कुल उसी फॉर्म के ऊपर सब कुछ हो रहा है, आपने बस वो फॉर्म भरा और कंप्लेंट फाइल कर दी गई। तो अलग अलग फैक्ट एंड सरकमस्टांसेस होते हैं हर केसेस के, लेकिन कोर्ट इस मामले में हमने देखा है कि बहुत जल्दी जो है वो कोई सख्त स्टेप्स नहीं लेते हैं, और वो सही भी है क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई है, इसको एक हमको मिटाना है, लेकिन हम उसमें हस्बैंड और वाइफ को अगर हम पनिशमेंट देने लगेंगे, अगर हस्बैंड को उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट दे दिया जाएगा तो मैरिज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। अब इसमें दोनों ही पार्टियों जी, इसमें गलतियां होती हैं जनाब। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आपने इस विषय पर अपनी राय रखी है, तमाम बारीकियों को हमारे दर्शकों को समझाया, साथ ही जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब भी उन तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को खत्म करने के मकसद से रोजाना हम आपके सामने मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।